अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होगी यूट्यूब कोर्स के हवाले से। इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी यूट्यूब के हवाले से, जिसमें हमने यूट्यूब की कुछ सेटिंग्स थी उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। आज की इस वीडियो में यूट्यूब पर हम जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो हमें अपनी वीडियोज़ पर वीडियो अपलोड करने से पहले जो हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं, फिर उसके बाद फिर हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप जो होंगी आज की इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगा। बेसिकली देखें, ये जो आज मैं आपको ये जो सारी चीज़ें सिखाऊंगा, इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, इससे ये नहीं होता कि डायरेक्ट आपकी वीडियोज़ जो हैं वो फॉर यू पर चली जाए या डायरेक्ट उस पर जो है वो मिलियंस पे या हज़ारों पर व्यूज़ आना शुरू हो जाए। बेसिकली आप जब भी अपना एक न्यू चैनल क्रिएट करते हो, अगर तो आप स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें आप पहली वीडियो से लेके एंड तक ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करते आओगे, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम पे जब आपका चैनल जैसे ग्रोथ होने लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, तो उस टाइम आपकी ये वीडियोज़ जो होंगी वो रैंक करेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि स्टार्टिंग में अपनी वीडियोज़ को राइट कैटेगरी में देना, उसका टाइटल जो है वो कीवर्ड, ये सारी चीज़ें ऐड करने से आपको फ़ायदा आगे होगा। ऑलमोस्ट हम लोग भी ये सारी चीज़ें करके ही आए हैं, तो अब जाके जो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में जो गलतियाँ की थी वो अब तो जाके हमें पता लग रही है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, तो वही हमने उनको दोबारा से जो मेरी वीडियोज़ जितनी भी थी उनको मैंने दोबारा सारी सेटिंग्स उनकी अपडेट की, तो अब जाके जो है उस पर थोड़ा सा अकाउंट ऑलमोस्ट जो वीडियोज़ हैं वो उन पर व्यूज़ आना भी शुरू हुए, तो वो रैंक भी करने लग गई हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो में भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और सबसे पहले तो आपने विड आई क्यू या ट्यूब बडी जो है वो अपने रूम पे जो उसकी एक्सटेंशन है वो ऑन कर देनी है, जिस अकाउंट पे आप अपना वीडियोज़ अपलोड करोगे, जो आपका चैनल है उस चैनल पे आपने एक्सटेंशन ऑन कर देनी है विड आई क्यू। विड आई क्यू बेसिकली होता क्या है, सिंपल आप अपने अगर गूगल पे लिखते हो विड आई क्यू, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो जिस ईमेल अकाउंट पे आपका चैनल बना है उसी ईमेल अकाउंट पे आपने यहाँ पर विड आई क्यू बूस्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एक्सटेंशन जो है यूट्यूब के साथ देनी है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ अपने डैशबोर्ड पर, जो कि ये मेरा एक बहुत पुराना चैनल है जिस पे मैं वर्क नहीं करता, तो यहाँ हम जो है वो वीडियोस अपलोड करेंगे, तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। अब वीडियो अपलोड करने से पहले एक तो हम इसको यूट्यूब स्टूडियो पे अपलोड करते हैं, सिंपली मोबाइल पे अगर आप इसको अपलोड करना चाहते हो तो आप कोरूम के थ्रू जो है वो अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाते हो, फिर जाके आप वहाँ से अपलोड करते हो। तो जितनी लॉन्ग वीडियोज़ हैं मेरे हिसाब से अगर तो आप डैश सिस्टम पर करो तो बहुत फ़ायदा है, अगर तो आप मोबाइल पे करोगे टाइम भी लेगा और बहुत सी चीज़ें फिर उसमें सही सी नहीं होती। तो वीडियो अपलोड जो भी आपको करनी हो, अब सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक वीडियो है, मैं बता भी देता हूँ। अभी ये हमारे पास है यूट्यूब सेटिंग, जैसे हम लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी, आपने क्या करना है अपना टाइटल जो है वो कीवर्ड के साथ पहले ही आपने यहाँ पर अपनी वीडियो को रीनेम करके दे देना है। मकसद जब हम वीडियो अपलोड करें आपका टाइटल ऑटोमेटिकली जो है वो लिखा होना चाहिए आपकी वीडियो पे। क्यों? जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब आपके टाइटल के ज़रिए उस वीडियो को जो है वो सर्च करता है और आपको उस वीडियो को फिर राइट वे पे ऐड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले करनी होती हैं, अपना टाइटल जो है वो पहले देना होता है, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड करते वक्त समझाऊँगा। अब हम लोग यहाँ पर अपलोड पर ऑलमोस्ट क्लिक करते हैं, जैसे ही हम सिलेक्ट फाइल करते हैं, सिलेक्ट फाइल करने के बाद हम जहाँ पर हमारे पास वो वीडियो रखी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड जो ओपन हो जाएगा जहाँ हम वीडियोस अपलोड करते हैं। यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट जो है वो हमारा टाइटल पहले से हमने इसको दिया हुआ है सेटिंग में ही, तो खैर इसको मैं अभी बता देता हूँ। तो जो हमारे पास यहाँ टाइटल है हम उसी को ही रीनेम करके कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ ला के मैं इसको सिंपल से जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यूट्यूब सेटिंग्स फॉर मोर व्यूज़ यूट्यूब सेटिंग, ठीक है। अब इसमें देखें ये कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको कीवर्ड्स के लिए यूट्यूब की ही हेल्प लेनी होती है, यूट्यूब की हेल्प से ही जाके आप जो है वो कीवर्ड्स ले सकते हो। अब कीवर्ड्स लेने का एक सिंपल तरीका ये है, आपने कोई भी यूट्यूब अकाउंट अपने किसी जैसे हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट कोई भी यूट्यूब को ऑन करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर YouTube को ऑन करेंगे तो हमारे पास YouTube का होम आ जाएगा, ठीक है। YouTube का होम आने के बाद हमने यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने कीवर्ड्स यहाँ से रिसर्च कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सर्च पे YouTube सेटिंग्स लिखना है,
तो यहां हम लिखते हैं यूट्यूब सेटिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। अब इनमें से आपने कोई भी एक कीवर्ड्स ले लेना है। इस कीवर्ड्स को लेके अब जैसे पहला वाला जो है यूट्यूब सेटिंग्स नंबर पर आ रहा है उसका यूट्यूब सेटिंग्स फॉर मोर व्यूज, यूट्यूब सेटिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स होती हैं। इनमें से कोई भी एक कीवर्ड्स लेके आपने जो है अपनी वीडियो पे यहाँ टाइटल पे मेंशन करना होता है, बाकी फिर आप अपना कोई भी जो है वो टाइटल दोगे। उसी के बाद इसी तरह हमने इस टाइटल को कॉपी करना होता है और फिर हमने अपने यहाँ पर कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। टाइटल आपका डिस्क्रिप्शन में भी आएगा और नीचे टैग्स में भी आपने लाजमी देना है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, इसी पूरे टाइटल को कॉपी करना है और आप यहां से आते हो रैपिड टैग्स आपने सर्च कर लेना है। रैपिड टैग्स पे जैसे ही आप सर्च करते हो, यहां पर हम इसको कंट्रोल वी करके सर्च करते हैं, तो ये आपको इस टाइटल के टैग्स जो हैं वो सारे दे देगा। यहां से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने सिंपल सा जो है वो इसको नीचे टैग्स पर आना है, ठीक है। टैग्स पर आने के बाद आपने ये मेन जो चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये आपने इसी तरह करनी है। तो यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पर टैग को हम कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद का प्रोसेस होता है नीचे थंबनेल आप जो बनाते हो वो अपलोड करते हो। यहाँ से प्लेलिस्ट आपने सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिस हिसाब से आप कंटेंट बना रहे हो उस हिसाब से आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आता है मेड फॉर किड्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये आपने बताना होता है कि ये बच्चों के लिए या नहीं। अगर नहीं है तो आपने नो मेड इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। उसके बाद नीचे की तरफ हम आते हैं, ये हमारे पास AI अल्टरनेट कंटेंट है। अगर आपने AI का इस्तेमाल किया है, AI टूल्स का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाई है तो आप यस पे क्लिक करोगे। अगर आपने अपनी आपकी पर्सनल वीडियो है तो आप इसको ओरिजिनल वीडियो तो आप इसको नो पे करके क्लिक करते हो, नीचे जाते हो, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आते हैं, टैग्स हमने दे दिए। टैग्स देने के बाद यहाँ वीडियो लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज पे बात कर रहे हो वो आप देना चाहो दे सकते हो। वीडियो लोकेशन किस कंट्री में आप अपनी वीडियो को शो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसी के साथ नीचे आप जो है वीडियो लैंग्वेज पे अगर आप किसी को जैसे इंडिया में अगर आपकी वीडियोस चल रही हैं तो आप यहाँ पर हिंदी या इस तरह की अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है। नीचे हम लोग आते हैं, मेन चीज़ जो होती है हमारा होता है कैटेगरी। कैटेगरी में हमेशा याद रखें, अगर आपका कोई एजुकेशन का अगर चैनल है तो आपने एजुकेशन का जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। वीलॉग है तो वीलॉग की सिलेक्ट करनी है। एंटरटेनमेंट है या न्यूज़ है या जो भी है उस तरह की कैटेगरी आपने देनी है। सपोज़ मैं अभी आपको हाउ टू सिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर जो कैटेगरी आती है वो हाउ टू एंड स्टाइल पे हम लोग इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। इसी के साथ नीचे बाकी इसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती। उसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है वो हमारा नेक्स्ट पे होता है। यहाँ सिर्फ टाइटल और टैग डिस्क्रिप्शन। अब जो टैग्स आप देखें, डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा आप ना भरें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर हम इन्हीं टैग्स को कॉपी करके हम क्या करेंगे, सिंपल अपने डिस्क्रिप्शन में ला के इसको ऐड कर देते हैं। कंट्रोल वी करके हम क्या करेंगे, अब इनको हम वन बाय वन यहाँ पर एंटर करेंगे, इनको कॉमास को मिटाते जाएंगे। इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें भी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड सबटाइटल होता है, ठीक है। ऐड एंड स्क्रीन, जो कि जब वीडियो ख़त्म होती है लास्ट में आप कोई ऐड करना चाहो प्लेलिस्ट या जो सारी चीज़ें वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है ऐड कार्ड्स, जो हमारी वीडियो चलती है ऊपर जो आपको ऐड कार्ड्स मिलते हैं, जैसे कोई प्लेलिस्ट मिलती है तो आप ऐड लिस्ट जो है वो कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर चेक होता है यूट्यूब की तरफ से। फिर लास्ट में हमारे पास आता है प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक, जो कि सबको पता है प्राइवेट पे आप करना चाहो, प्राइवेट का किसी को शो नहीं करना चाहते, बाद में अपलोड करना चाहते तो आप प्राइवेट को सिलेक्ट करते हो। अनलिस्टेड को अगर आप करते हो तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी वीडियोस को देख सकते हैं, न्यू अगर कोई हो तो वो नहीं दे सकता। पब्लिक आप करते हो तो पब्लिक की तरफ चले जाती है। यहाँ पर नीचे एक आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेट एज इंस्टेंट प्राइमरी, तो इसका मतलब ये होता है अगर आप ये क्लिक करते हैं तो इस टाइम पे अपनी वीडियो का जो रोज़ की डेली रूटीन होती है उस पर आप इसको सेट कर सकते हो। तो खैर ये चीज़ें तो अगर आप करना चाहो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पब्लिक कर सकते हो। पब्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो फिर हमारे पास शेयर का आ जाता है। अगर आपके जो भी लिंक्स होते हैं, यूट्यूब पे अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहाँ आप अपनी ये सारी चीज़ें पेस्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूट्यूब के हवाले से ही मिलेंगे। और भी बहुत सी वीडियो होंगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।